સુરત શહેરના ઉધના પ્રભુનગર વિસ્તારમાં રાત્રે ચીખલીગર લોકો સાથે થયેલી તકરારમાં ફાયરિંગ થયાનો બનાવ બન્યો છે. ઈજાગ્રસ્તને સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસ સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત થતી વિગત મુજબ ગુરુવારે રાત્રે 9:30 વાગ્યાના અરસામાં ઉધના પ્રભુનગર ખાતે રહેતા રાહુલસિંહ નામના વ્યક્તિ પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. રાહુલને પગના ભાગે ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે ઉધના વિસ્તારમાં રહેતા માથાભારે લાલી નામના શખ્સ સાથે સેલિબ્રેશન કરવા બાબતે થયેલા ઝઘડામાં ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળેલ છે. ઉધના પોલીસે લાલી સહિત 4 અજાણ્યાની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જો કે હાલ સુધીમાં કયા કારણોસર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું તે જાણવા મળ્યું નથી. બીજી તરફ લાલીએ પોતે ફાયરિંગ નથી કર્યું હોવાનું પોલીસ સમક્ષ જણાવ્યું છે. હાલ પોલીસ આ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે. મેરા નામ નરેન્દ્રસિંહ શ્યામસિંહ પવાર. ક્યાં હુઆ? વહાં પે ગયે હુએ થે તો વો લાલી ને ઓર અજય ને હમકો ફોન કરકે બુલાયા और वहाँ जाते से इन्होंने गोली मारना चालू कर दी है. पहले तो गाली वाली दी, हमने बोला भाई क्या हुआ, तो इन्होंने गोली मारनी चालू कर दी. लाली अजय धनंजय सिंह संजय धनंजय सिंह और मनोज धर्मेंद्र सिंह, ये सब लोगों ने गोली मारनी चालू कर दी. तो सरदार जी को हमारे गोली लग गई. हम साथ में 2 जन गए थे तो वहाँ गोली लग गई. तो वहाँ जाके पूछा कि भाई क्या हुआ. ये वारदात तुमको हम जान से मार डाले. ये वारदात कहाँ की है? ये BRC प्रभुनगर उतना गोली लग गई. जिसको उसका क्या नाम है? राहुल सिंह नाम है उसका. तो क्या वहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा था? क्या था वहाँ? वहाँ ये लोग दारू पी रहे थे सब और दादागिरी कर रहे थे. बोले हम ही जो भी है हम ही है. कौन पी रहे थे दारू? वो अजय सिंह, धनंजय सिंह के लड़के संजय सिंह, मनोज और लाली. और ये बोलता हमारा कोई क्या है, बोले कुछ नहीं हो सकता. तो बात करने बोला मारना चालू कर दिए. और ये भाई को कैसे क्या लगा वहाँ? वो वहाँ से फिर भागा. ये लोगों ने ऊपर पहले फायरिंग करी 2, इसके बाद ये भागना चालू किया. फिर ये वहाँ भागा तो रास्ते में इसको गोली लगी. फिर इसको गोली लगी तो हम पुलिस स्टेशन लेके गए उधना. तो PI ने बोला कि तुम क्या हो, वहाँ तो सब लुखे रहते हैं, तुम्हारी हैसियत औकात क्या है? मेरा सर, मैं 50 साल से यहाँ रहता हूँ. आप अभी कहाँ पे आए हो? मैं पहले सिविल हॉस्पिटल भेजा. PI साहब ने बोला कि पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तुम्हारे में अक्ल नहीं है, छुट्टी हो क्या, तुम बुद्धि नहीं तुम्हारे में. तो मेरा सर, हमारे में सब बुद्धि अक्ल है, हम डर के मार के और किसी को गोली नहीं मारते, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं. फिर सर ने बोला कि भाई तुम सिविल जाओ. सिविल गए तो वहाँ से फिर बोला कि भाई तुम इधर स्मीमेर जाओ. तो यहाँ लेके आए. यहाँ फिर वो 10 जन सवाल कर रहे हैं, कौन सा केस है, कैसा केस है, कहाँ गोली मारी. वो 10 जन के PI साहब पे फोन आ रहे हैं तो दबाल सब बिल्डर लोग हैं, वो तो डर के मारे वो सब दबान कर रहे हैं अपने. आपका नाम? कटकोर. आज क्या हुआ है? अभी हमारे बच्चे को गोली लग गई. कहाँ पर लगी है गोली? पाँव में लगी है. अब आपका बच्चा रहता कहाँ पे? अब हम तो प्रभु नगर में. अभी कहाँ पे आए? अभी इधर आए अपने मेडिकल कॉलेज में. अभी कैसा आपका बच्चा हो? अभी बच्चा अभी आप देखा नहीं, उसमें गोली वोली निकाली है कि क्या मालूम, देखा नहीं अभी. आप क्या चाहते हो? तो हमको न्याय चाहिए. किसने मारी थी गोली? अब क्या मालूम किसने मारी गोली. आपके बच्चे का नाम क्या है? राहुल. आपका नाम बोलो. राहुल तीरथ सिंह. उम्र कितनी है? उम्र उसकी होगी 15 या 16 को होगा. 15 या 16 को होगा.